कि ये मंथली क्लोजिंग नहीं है वीकली क्लोजिंग hmm. है वीकली क्लोजिंग right. में इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं चाहिए मंथली right. होती तो अलग बात थी लेकिन ये वीकली में भी इतना फास्ट मूवमेंट क्यों आया उसकी बड़ी वजह ये कि दीप तीन दिनों का वीकेंड होने की वजह से hmm. लोगों को पोजिशन कम रखनी है शॉर्ट वालों को भी और लॉन्ग वालों को भी और इस वजह से ये मूवमेंट आपको फास्ट मिल गया so बैली स्यार, बैली स्यार, पचार, पचार स्पोर्ट सो आई थिंक बयालीस हजार बयालीस हजार पचहत्तर स्पॉट लेवल यानी कि यहाँ से पचहत्तर से डेढ़ सौ प्वाइंट और अगर बढ़ता है वहां हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए फ्रेश खरीदारी इकतालीस सात सौ आठ सौ के रेंज में आए तो ही करिए अभी नहीं करना है ठीक है और भले बयालीस के ऊपर टिक जितना जाए जाने दीजिए फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना है जम बनाने की जरूरत थी मैंने बोला भी आपको वहां पे आराम से बैठिए ठीक है ठीक है ना अगले हफ्ते के लिए टारगेट कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं बताऊ मैं आपको अगले हफ्ते के लिए अब जो इंटरेस्टिंग टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा यानी जगह खुल रही है में, के लिए, अगले हफ्ते के लिए वो देखेंगे। ठीक है। का तक सवाल है सत्रह आठ सौ के आसपास आकर अटक रहा है मेरे हिसाब से सत्रह आठ सौ के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं होना चाहिए डेटा ये बता रहे है सत्रह आठ सौ पर पौने तीन करोड़ शेयर खड़े है कॉल राइटर जो बड़ा है फिर भी अगर बैंक निफ्टी के जोर से निफ्टी अगर तीन बजे तक आज का हाई सत्रह हजार आठ सौ पच्चीस सत्ताईस जो है उसको पार करके टिक जा टिक जाता है तीन बजे तीन बजे तक तो बैंक निफ्टी निफ्टी भी फिर सत्रह आठ सौ पचहत्तर आज दिखा सकता है वहां से पचास मिनट तो और बढ़ सकता है संभावना कम है तो मैं अगर लॉन्ग करना ही होगा तो बैंक निफ्टी करेंगे निफ्टी नहीं करेंगे क्लियर है इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है तो ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो तो मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी तो दीप कमाल ही करेगा अभी ये नहीं रुक रहा है